मैंने देखा है लोग जय भीम करते हैं, आज तो आरएसएस वाले भी जय भीम करने लगे। 50-70 साल से कांग्रेस वाले जय भीम करते थे और कांग्रेस वालों ने, पूरा कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को बुरी तरह से हराया। कांग्रेस वालों ने 1932 में गांधी ने बाबा साहब का सार जो अधिकार लाए छीन लिए, तो कांग्रेस के चौनी के मेंबर न बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, ऐसा बाबा साहब ने संदेश दिया। तो जय भीम वाले कौन से नकली अम्बेडकर वादियों को, मैं यहां से भारत के नकली अंबेडकर वादियों को जो कांग्रेस की विचारधारा मानते हैं, जो बीजेपी के विचारधारा मानते हैं, जो बाबा साहब के समता वर्ड को नहीं मानते, समरसता कहते हैं, जो बहुत काशीराम साहब के बहुजनों को नहीं मानते वो दलित कहते हैं, अरे दलित ये हरिजन ये वंचित ये समरसता, ये शब्द जान बूझ के बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए किए है। तो ये शब्द शासन करता है। आज मान्यवर विचार मान्यवर काशीराम साहब के जन्म जो परिनिर्माण दिवस पर यहां से बहुजनों को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अगर कोई बहुजन दलित वलित कहता मिल जाए, समझ लेना कि वो कांग्रेसी है। अगर कोई जय भीम करने वाला वंचित और समरसता शब्द उपयोग करता हुआ मिल जाए, तो समझ लेना वो आरएसएस वाला है।